दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे पौधों की जो आपको अपने घर में कभी भी नहीं लगाने चाहिए, लेकिन अगर आप ये पौधे लगाने की गलती कर चुके हैं या अगर ये पौधे आपके घर में अपने आप उग आए हैं तो ऐसे में आप इन्हें उखाड़ कर फेंक दें। और अगर कोई ऐसा पौधा है जिसे उखाड़ कर नहीं फेंका जा सकता है तो ऐसे में क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि इसका दुष्प्रभाव आपको ना झेलना पड़े, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, किसी भी भवन के वास्तु को सही रखने के लिए उसके आसपास के पर्यावरण का ठीक होना बेहद जरूरी है। और अगर पर्यावरण को ठीक रखना हो तो पेड़ पौधों का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पौधों का होना प्राकृतिक को संतुलित बनाए रखने के साथ साथ मानव के लिए भी महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे पर्यावरण में उपस्थित हानिकारक तथा निषिद्ध वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन के रूप में ग्रहण करके वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। कौन सा पौधा हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और कौन सा पौधा लगाने से वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है और कौन सा पौधा लगाने से वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है, इसकी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनुष्य को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अपने घर में इन पौधों को अवश्य ही लगाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन पौधों के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर एक, अशोक का वृक्ष। इस वृक्ष को अगर घर की उत्तर दिशा में लगाया जाए तो इसका अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। इस वृक्ष को परिसर अथवा घर में लगाने से दूसरे सभी अशुभ वृक्षों के दोष नष्ट हो जाते हैं। नंबर दो, केले का वृक्ष। दोस्तों, घर की चार दीवारी में केले का वृक्ष लगाना शुभ माना जाता है। इस वृक्ष को अगर आप ईशान कोण में लगाएं तो और भी अधिक शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। और अगर केले के वृक्ष के पास तुलसी का पौधा लगा दिया जाए तो अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ईशान क्षेत्र में लगे हुए केले के पौधे के नीचे अध्ययन करने से किया गया अध्ययन व्यर्थ नहीं जाता, विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। नंबर तीन, आक अथवा श्वेतार्क। श्वेतार्क का पौधा दूध देने वाला पौधा होता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार दूध से युक्त पौधों को व्यवसायिक स्थल या घर की चार दीवारी में नहीं लगाना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। और इसी कारण से श्वेतार्क का पौधा आपको नहीं घर में लगाना चाहिए। लेकिन ये अगर आपके घर पर अपने आप उग जाता है तो इसे उखाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हल्दी, अक्षत और जल से इसकी रोजाना पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इस पौधे से घर में बरकत होती है, जिससे घर में रहने वालों को सुख शांति प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि घर के पास श्वेतार्क का पौधा अगर अपने आप खिल जाता है और अगर आप उसकी नियमित पूजा करते हैं तो घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, उस भूमि में गुप्त रूप से धन होता है। दोस्तों, नंबर चार, पपीता। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि पपीते का पेड़ घर पर नहीं लगाना चाहिए, ये अशुभ फल देने वाला होता है। अगर ये अपने आप उग जाए तो शुरुआत में ही आप इसे खोद कर किसी अन्य स्थान पर लगा दें। लेकिन अगर ये अपने आप बड़ा हो गया है तो इसे काटने की बजाय उस समय का इंतजार करना चाहिए जब इसमें फल आना बंद हो जाए। उसके बाद आप इसके तने में एक छेद करके उसमें थोड़ी सी हींग भर दें। ऐसा करने से स्वयं ही ये सूख जाएगा। नंबर पाँच, नारियल का वृक्ष। नारियल का वृक्ष अगर घर की सीमा में लग जाए तो शुभ फल प्राप्त होता है। घर की सीमा में इस वृक्ष के होने से उस घर में रहने वालों का मान सम्मान और उन्नति बढ़ती जाती है। बरगद का वृक्ष वास्तु की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। किसी भी भवन या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पूर्व दिशा में बरगद का वृक्ष होना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भवन पर इस पेड़ की छाया ना पड़े। वट वृक्ष का घर की पश्चिम दिशा में होना अशुभ माना गया है। दोस्तों, अगर आंवले के वृक्ष की बात करें तो वास्तु की दृष्टि से आंवले के वृक्ष का घर की सीमा में होना शुभ माना गया है। इस वृक्ष को अगर आप घर में लगाते हैं तो जो अशुभ वृक्ष का फल होता है वो भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर घर में आप फल देने वाला अनार का पेड़ लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन ये वृक्ष आग्नेय कोण या नेतृत्व कोण में नहीं लगाना चाहिए। कहीं कहीं पर अनार के वृक्ष का घर में होना अशुभ कहा गया है, लेकिन ये नियम सिर्फ बंजर जाति के अनार के वृक्ष पर लागू है, मतलब जिस पर फूल या फल नहीं लगते हैं। हल्दी का वृक्ष घर की सीमा में अशुभ होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर ये वृक्ष अपने आप भी घर में उग जाए तो भी इसे तुरंत उखाड़ देना चाहिए। इस वृक्ष को घर की सीमा में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं।
दोस्तों, सीताफल के पौधे को घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए, ये अशुभ होता है। लेकिन अगर घर की सीमा में ये अपने आप उग जाए तो इसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि घर की सीमा में ही एक आंवले का तथा फल देने वाला अनार का पौधा लगा देना चाहिए। इससे इस पौधे का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। जामुन का वृक्ष की अगर बात करें दोस्तों, तो वास्तु की दृष्टि से जामुन का वृक्ष अगर घर की सीमा अथवा परिसर के दक्षिण में हो तो ये शुभ कहा जाता है। अन्य दिशाओं में इस वृक्ष का होना आपको अच्छा फल नहीं देता। घर के उत्तर में जामुन का पेड़ हो तो उसके साथ एक अनार या आंवले का पौधा जरूर लगा ले। वास्तु की दृष्टि से दोस्तों, आम की अगर बात करें तो घर की सीमा में इसका होना शुभ नहीं माना गया। फिर भी अगर ये वृक्ष हो तो इसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि नित्य इसकी जड़ों में काला तिल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से इस वृक्ष का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। दोस्तों, घर के वायव्य कोण में नीम के वृक्ष का होना अत्यंत शुभ माना गया है। ये वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करके स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। इस प्रकार जो मनुष्य नीम के 7 वृक्ष अपने जीवन काल में लगाता है, उसे मृत्यु के बाद शिव लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य नीम के 3 पेड़ लगाता है, वो 100 वर्ष तक सूर्य लोक में सुख का उपभोग करता है। दोस्तों, नागफनी का पौधा तो आपने जरूर देखा होगा। आपको बता दें, आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहां पर नागफनी का पौधा कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शास्त्रों के अनुसार पुराणों में बताया गया है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति न करके कांटे की उत्पत्ति करता हो, उसमें पत्तियां ना के बराबर हो, तो ऐसे पौधे कभी भी घर में नहीं लगाने चाहिए। खास तौर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाया जाता। खासकर बात जब तुलसी के पौधे की आती है, तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ साथ महालक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहां पर नागफनी का पौधा होता है। इसीलिए आज ही इसे अपने घर से बाहर कर दे। ये पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। दोस्तों, ऐसा कोई भी पौधा जिसमें कांटे होते हैं, उन्हें घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। कांटेदार पौधे घर में नकारात्मकता लाते हैं और तमाम परेशानियों की वजह बनते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि गुलाब का पौधा जिसके अंदर कांटे होते हैं, वो कांटेदार पौधे की श्रेणी में नहीं आता है। ये पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। वैसे भी माँ लक्ष्मी को गुलाब अति प्रसन्न करता है। अगर आप अपने घर में गुलाब का पौधा लगाते हैं तो ऐसे घर से माँ लक्ष्मी जल्द ही आकर्षित होती है, तो गुलाब आप जरूर लगाइए। दोस्तों, इमली का पेड़ भी कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि इमली का पेड़ लगाने से घर में बीमारियां पनपती है। इसके अलावा आपसी संबंधों में खटास आती है, जिससे घर का माहौल खराब होता है। साथ ही नकारात्मक शक्तियों का असर होने का डर रहता है। वैसे तो पीपल के पेड़ को काफी शुभ माना गया है, इसकी पूजा भी की जाती है। लेकिन इसके पौधे को कभी भी घर के अंदर या बाहरी गेट के आसपास नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे धन हानि होती है। हालांकि इसकी वैज्ञानिक वजह ये है कि पीपल की जड़ें दूर तक फैलती है, ऐसे में घर की दीवारों को ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अगर आपके घर में पीपल का पौधा उग जाए तो उसे उखाड़ कर किसी मंदिर के पास या पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। बहुत सारे लोग मदार का पौधा घर में लगाते हैं, लेकिन वास्तु के मुताबिक इसे अच्छा नहीं माना जाता। मान्यता है कि मदार समेत ऐसे कोई भी पौधे जिनसे दूध निकलता है, उन्हें घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता आती है। खजूर का पेड़ घर की सुंदरता जरूर बढ़ाता है, लेकिन इसे लगाने से परहेज करना चाहिए। वास्तु के मुताबिक इसे लगाने से घर के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है और परिवार में आर्थिक तंगी आती है। दोस्तों, आजकल ऑर्गेनिक फूड का जमाना चल रहा है। लोग अपने घर में ही पौधे लगाना पसंद करते हैं और फल और सब्जियां वहीं से लेना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे में वो हरी मिर्च का पौधा भी लगा लेते हैं। जानकारों की माने तो अपने घर में कभी भी हरी मिर्च का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हरी मिर्च का पौधा लगाने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए जिन लोगों ने घर में अगर ये पौधा लगाया हुआ है तो इसे तुरंत ही बाहर कर दें। दोस्तों, घर में कभी भी मेहंदी का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि मेहंदी के पौधे में बुरी आत्माओं का वास होता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए घर में हमेशा मेहंदी का पौधा लगाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।